हम करेंगे दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ और इस मामले में बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने राव आईएएस कोचिंग के मालिक और कोचिंग के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। इस कोचिंग के बेसमेंट को स्टोरेज के रूप में एनओसी मिला था, जबकि इसका इस्तेमाल विद्यार्थियों को पढ़ाने में हो रहा था। कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर की गिरफ्तारी हुई, अब पूछताछ चल रही है और अब पुलिस सख्ती दिखा रही है। लेकिन वक्त रहते यह सब कुछ हुआ होता तो यह हादसा नहीं होता। जब भी हादसा होता है उसके बाद से एक्शन देखने को मिलता है। अब स्टोरेज के लिए कोचिंग के बेसमेंट को मिला था एनओसी, यह जानकारी मिल रही है। वो स्टोरेज के लिए एनओसी मिला था, लेकिन स्टोरेज की बजाय इसको लाइब्रेरी बना दी गई थी, सूत्र बता रहे हैं। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बीती रात हुए हादसे की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में तेजी से पानी भरता हुआ साफ साफ दिख रहा है। इस हादसे में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऐसे पानी भरने की वजह से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में करीब 12 फीट पानी भर गया था। ये देखिए जरा, ये वीडियो आया है। वीडियो आप देख सकते हैं साफ तौर पर पानी किस तरह से बेसमेंट में नीचे जा रहा है। ये 12 फीट तक, यानी कि जितनी छत की ऊंचाई होगी वहां तक ये पानी भरा। अब इसमें जद्दोजहद, देखिए लोगों को बचाने की कोशिशें भी चल रही हैं। ये तो एक वीडियो का छोटा सा अंश है अभी, और तमाम जो छात्र हैं ऊपर अभी निकले, नीचे लाइब्रेरी बनाई गई थी। लेकिन पानी एकाएक तेजी से नीचे आया, इसमें 3 छात्र, उनकी जिंदगी खत्म हो गई, जिनमें 2 छात्राएं हैं और 1 छात्र हैं, जो अपने भविष्य को बनाने के लिए वो दिल्ली आए थे। उनके माता पिता, उनके अभिभावकों ने भेजा था बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन वो देखिए जरा, अभी हादसा हम आप तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दिख रहा है। ये छोटा सा अभी अंश है, अभी और जैसे जैसे अभी हो सकता है और वीडियो सामने आए। ये हादसे की तस्वीर है, बेसमेंट में पानी भर रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। कुछ लोग एक दूसरे को मदद करते हुए हाथ बढ़ाते हुए, और नीचे पानी जा रहा है। अब देखिए जरा एक और वीडियो सामने जो है, लेकिन फिर तब एनडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासनिक जो अमला है वो वहां पर पहुंचा और ये शव निकाले गए। दिल्ली पुलिस का बयान आया कि अभी आखिरी जो तलाशी अभियान है उसको मैनुअल वो चलाई जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले उनका यह स्टेटमेंट आया था। एमसीडी की लापरवाही से नाले साफ नहीं हुए और यह हादसा हुआ। मौके पर आज तक के कैमरे से भागते एमसीडी के अधिकारी भी नजर आए। हादसे के बाद मौके पर एमसीडी के अधिकारी पहुंचे, लेकिन आज तक ने सवाल किया तो बोलती बंद हो गई, उसके बाद कैमरे के सामने भाग निकले। सफाई की गाड़ी आपने बुलवाई है? नहीं। तो की सफाई नहीं कर रहे? नहीं, नहीं। ये देखिए, ये एमसीडी के कर्मचारी हादसा होने के बाद यहाँ पर आए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। सफाई, पानी यहाँ पर जल जमाव हो गया था, वो साफ कर रहे थे आप यहाँ पर? आप कुछ बोलेंगे? ये एमसीडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे, और जरा दिखाइए आपकी किस तरीके से भाग रहे। जिस दौरान यहाँ पर जल जमा हुआ था कुछ भी इन्होंने नहीं किया, और अब हादसे के बाद यहाँ पर आकर डायरेक्शन दे रहे थे, और जब आज तक इंडिया टुडे की टीम ने पूछताछ करने की कोशिश की, उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हादसा हो गया है तो अब यहाँ पर साफ सफाई का काम, ये वो इलाके है जहाँ पर जल जमाव की वजह से कीचड़ भर गया था, और अब यहाँ पर साफ सफाई हो रही है। ये सब कुछ हादसे के बाद हुआ, जब 3
नौजवान जो कभी कलेक्टर डीएम बन सकते थे, जिनकी हादसे में मौत हो गई, अब उस हादसे में मौत हुई उसके बाद देखिए किस तरीके से आप साफ सफाई का काम चल रहा है। जो एक एमसीडी का अधिकारी है उसकी बोलती आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर बंद हो गई जब हमने उनसे पूछा कि क्या पहले आपकी नींद नहीं टूटी। कैमरामैन सगुन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा आप सभी तक अपडेट पहुंचाने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। अरविंद, हफ्ते भर हुए, अभी आपको याद होगा दो तीन दिन पहले एक यूपीएससी की तैयारी जो करते थे छात्र, उनकी करंट लगने से जान चली जाती है। अब इससे कोई सबक नहीं लिया गया, अब तीन छात्रों की जिंदगी वो खत्म हो गई समय से पहले। अभिभावकों को कौन जवाबदेही किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी, क्योंकि सब तो भाग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए आपको बताऊं, आशुतोष, इस मामले में जो कोचिंग सेंटर का मालिक है वो गिरफ्तार हो गया है और कोचिंग सेंटर का जो कोऑर्डिनेटर है वो गिरफ्तार हो गया है। सबसे पहले मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाऊं, ताजा तस्वीर, ये राव आईएएस स्टडी कोचिंग सेंटर है जहां कल शाम 7 बजे के लगभग हादसा हुआ था और बेसमेंट में पानी भर गया था और जिसकी वजह से डूबने से तीन होनहार जो छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जिसमें दो गर्ल स्टूडेंट थी एक मेल स्टूडेंट था, इस बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई। लेकिन आपको एक साफ साफ चीज बताता हूँ, ये सीधे सीधे जानलेवा लापरवाही भ्रष्टाचार का नतीजा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली में जल जमाव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम कितना खराब है। एमसीडी को लोग, यहाँ के लोगों का आरोप है कि एमसीडी को कॉल करते हैं तो पैसा मांगा जाता है। आप देखिए हादसे के बाद की ये तस्वीर देखिए, बेशर्मी देखिए, ये जो लग्जरी आप देखिए, ये एमसीडी की गाड़ियां एक नहीं दो मंगाई गई है ड्रेनेज पानी निकासी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने के लिए। क्या ये पहले नहीं किया जा सकता था? इस इलाके में इतना पानी भरा हुआ था, कल रात खुद मैं यहाँ पर मौजूद था आशुतोष, और तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, 5 मोटर पंप वो लगाए गए थे और 4 घंटे तक पानी निकाला गया और तब जाकर पानी निकला। तो सीधे सीधे जानलेवा लापरवाही भ्रष्टाचार, एमसीडी के वो अधिकारी जिनको कुछ भी कहा जाता, अगर एक लेंटर दिल्ली में डलता है तो वो देखते हैं और पैसा मांगने चले आते हैं, लेकिन दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो जाती है और कोई भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। और सीधे सीधे जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि वाटर लॉगिंग यानी बारिश का पानी जमा हो गया था और ये जो कोचिंग सेंटर है, इस कोचिंग सेंटर में जो लोहे का गेट है उस लोहे के गेट से पानी को रोका गया था और कल जब ये गेट खुला है उसके बाद वेव बनी और उसके बाद अचानक से भारी तादाद में जो पानी है वो बेसमेंट के अंदर चला गया। अब बताया जा रहा है अरविंद की जो एनओसी मिली थी वो स्टोरेज के लिए मिला था, लेकिन उसमें लाइब्रेरी तैयार कर दी गई थी, उसमें छात्र बैठते थे, पढ़ते थे। तो सवाल ये भी है कि एनओसी जब मिला तो इसमें लाइब्रेरी कैसे बन गया? दूसरा ये कि लाइब्रेरी चल रहा है और अधिकारियों को पता नहीं है, अब ये जानकारी दे रहे हैं कि हमने एनओसी स्टोरेज के लिए दिया है, जब घटना घटी अब आप दिखा भी रहे हैं कि सब कुछ आ गए, हाईटेक मशीन्स आ गई हैं, पानी को निकाला जा रहा है, लेकिन तमाम लोगों ने जो वीडियोस भेजे, तमाम लोगों ने जो सवाल किए, एमसीडी को कॉल किए, वो कहां गए थे? मौत के बाद पहुंचना, ये क्या तमाशा है दिल्ली में? बिल्कुल, ये तमाशा, और मैं बताऊं एमसीडी का एक तमाशा ये देखिए, कब ये हादसा हो गया तो एमसीडी ने एक आदेश जारी किया है कि आसपास जितने भी बेसमेंट में पीजी चल रहे हैं, लाइब्रेरी चल रही है, उसको बंद किया जाए। पहले नींद क्यों नहीं टूटी? तीन नौजवान जो कभी डीएम कलेक्टर बन सकते थे, आईएएस पीसीएस अधिकारी बन सकते थे, जब उनकी मौत हो गई उसके बाद ये नींद टूटी है। और इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में कई पीजी चल रहे हैं, आपको ये तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में अब आक्रोशित है और लगातार यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और इस वजह से बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, वो अब यहाँ पर पहुंच गए, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन भी अब यहाँ पर उन छात्रों का हो रहा है जो आईएएस पीसीएस की यहाँ पर कोचिंग करने के लिए आते हैं और इनमें भारी गुस्सा है, ये इंसाफ की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। दिल्ली, राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो इसको न जाने क्या क्या क्योटो और न जाने क्या क्या बनाने की कोशिश पहले की गई थी, लेकिन हालत आज की डेट में ही है और आपने देखा भी होगा, हम लगातार आज तक पर दिखाते कि कैसे जरा सी बारिश होती है तो दिल्ली में जल जमाव हो जाता है, एक तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है और यही लापरवाही जानलेवा लापरवाही भ्रष्टाचार का नतीजा था कि इस जो आईएएस कोचिंग सेंटर है इसके अंदर पानी भरा, कई छात्र भागे,
कुछ छात्र छतों पर रात बिताई जिन्होंने, और इसमें और दिल्ली के छात्रों की बेबसी देखिए, दो लाखों रुपए खर्च करके अभिभावक भेजते हैं दिल्ली में ताकि भविष्य को संवारा जा सके। एक छोटे से कमरे में रहते हैं, उसका किराया मनमानी भी होता है, जो भी लोग जानते होंगे रहते होंगे सब समझते होंगे, लेकिन परिजन क्या करें, बेबस हैं। जिस छात्रा की जान गई उसके चाचा क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। ऐसा है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बद इंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है वो सिस्टम को अपने जिम्मेदारी को लेना चाहिए, और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बने हैं नहीं बने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनके अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है, तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी, तो इसको रोका जा सकता है।